बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर चिकर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, होते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार और जैसा कि आप सभी जानते हो द आरडीडी शो ने कंप्लीट किए हैं 14 मंथ। जी हाँ, तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। एंड आजादी के 75 साल का जश्न अभी भी जारी है, इस जश्न को खास बनाने हमारे बीच आ रहे हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी। उनकी अगर मैं तारीफ करूं वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। जी हाँ, क्योंकि हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं और आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और सच में आरडीडी शो खुद को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है ऐसे पर्सनालिटी को। मुझे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ आज मुझे मौका मिला है ऐसे पर्सनालिटी के इंटरव्यू लेने का। थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम वेलकम करते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सर। एंड सच में हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं सर, क्योंकि हम बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं। डिबेट की बात करें तो आप हमारे देश के रियल हीरो हो। सल्यूट टू यू सर, जय हिंद जय भारत। और सर मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि सर हम आप हमारे देश के रियल हीरो है और इंस्पिरेशन है। तो हम सभी को आपकी जो जर्नी है उसके बारे में जानना है और इंस्पिरेशन लेनी है। तो मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? शुरू से ही काफी संघर्ष रहा है। लाइफ हैज बीन एन एडवेंचर। देखिए, मेरी फौजी जिंदगानी शुरू हुई, ये आप समझ लीजिए 1965 है शुरुआत, क्योंकि 1965 में मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन दृष्टि रमन बख्शी 11th बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल 1965 के युद्ध के दौरान शहीद हो गए और केवल 23 वर्ष की आयु थी। उनकी लाश के चितड़े उड़ गए क्योंकि वो माइन के फटने से उनकी शहादत हुई थी और हमको बस घर में भेजी गई एक कांस का कलश और उनकी अस्थियां। और हमने जाके नर्मदा जी में, हम जबलपुर रहते थे, नर्मदा जी में जाके बहा दी और उसी दिन मेरे मन में बिल्कुल ख्याल ये पक्का हो गया कि अब तो बदला लेना अनिवार्य है और मुझे फौज में जाना ही होगा। पहले भी मैं फौज के बारे में ही सोच रहा था लेकिन क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था। बहुत सारी वॉर कॉमिक पढ़ता रहता था, कमांडो कॉमिक, World War I, World War II, और सेना का शौक तो था ही मन में, लेकिन इस वारदात से मुझे क्लियर हो गया कि मैंने जाना है। 1965 के दिसंबर में ही मैंने अपना रिटन टेस्ट दिया और नतीजा आ गया, मैं क्लियर हो गया रिटन में। और फिर मैं माइसोर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गया, कहा दूर घर से बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एडवेंचर था मेरे लिए। और मेरे पिता श्री नेचुरली बहुत दुखी हुए इस फैसले से, माता पिता, कि अभी तो हमने एक लड़का खोया है और दूसरा जा रहा है, हमने ठेका ले रखा है, हम ही ने कि हम फौज में लड़के भेजते रहे।
बट मैंने भी जिद पकड़ ली। तो फिर पिताजी का बड़ा मन था कि मैं पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, सारा दिन लाइब्रेरी में घुसा रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, एक दिन में एक किताब पूरी कर देता था। अपने पर्सनल अपीयरेंस का मुझे कभी कोई खास ख्याल नहीं था, कभी स्याही लगी रहती थी शर्ट पे। तो पिताजी ने कहा तू फौज के लिए फिट मटेरियल नहीं है, क्योंकि फौज में तो बड़ा अच्छा टर्न आउट और टनाटन वर्दी शर्ती ये वो, तो तू कहाँ फौज जाने की सोचता है, तू तू पास नहीं होगा एग्जाम में, तू आईएएस कर। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा आईएएस में जाए, बड़ी ख्वाहिश थी। तो बोला कि तू पढ़ाई लिखाई में तेज है, तू कर लेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तू ऐसा कर, तू जाके इंटरव्यू दे दे, तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी आईएएस, ठीक है, लेकिन तू पास आस नहीं होना, तू ज्यादा मत दुखी होइयो, पास नहीं तेरे को करेंगे, यू आर नॉट दी मिलिट्री आर्मी टाइप नहीं है तू, पढ़ता लिखता रहता है, ये वो करता रहता है, आउट गोइंग नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं गया और जब नतीजा आया साहब, तो मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 पे था। आई वाज सेकंड इन द आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स, थर्ड इन द एयरफोर्स। और ये देखिए साहब, पूरे भारतवर्ष में कोई पता नहीं 1.5-2 लाख 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं एनटीए के लिए बच्चे हर साल, और केवल कोई 350 के करीब सिलेक्ट होते हैं। तो इनमें जो सिलेक्ट हुए उसमें मैं पूरे ऑल इंडिया में नंबर 2 रैंक। मैंने बोला साहब आप बताइए, तो अब तो मेरे को जाना है। देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैंने कोशिश की, मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाई करी, देखा एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के पेपर आते हैं, एनालिसिस किया अपनी तरफ से, और तकरीबन मेरा एनालिसिस ठीक बैठा, मैंने अच्छा स्कोर कर लिया। एटलीस्ट जनरल नॉलेज इंग्लिश में तो बहुत अच्छा स्कोर किया, मैथ मेरा वीक था, साइंस ठीक थी, लेकिन और फिर इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो जब नंबर 2 रैंक आई तो पिताजी भी हैरान हो गए, तो बोले कि शायद ये इसका चोजन करियर है, शायद भगवान ये रास्ते ले जा रहे हैं। और सही बात थी, क्योंकि एक्चुअली हमें लगता है कि हम एफर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें निर्धारित होती है, आपने कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, कौन सी नौकरी जाना है, कहाँ शादी करनी है, ये सब चीज निर्धारित होती है। मेजर एसटी सेट होती है, माइनर एसटी आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो मैं साहब फिर मैं एनडीए गया और आईएमए पहुंचा। वहां से 1971 में हम लोग आईएमए में ट्रेनिंग कर, और आप जानती हैं कि युद्ध के बादल मार्च 1971 में छेड़ आए, जय बंगला नाम की एक आंखों की बीमारी फैली थी, सबकी आंखें सूज जाती थी, ये हो जाता था, बड़ी महामारी का लक्षण थे, और गिद्ध उड़ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने क्रैक डाउन किया, जनरल टिक्का खान को भेजा, उसने तो कत्लो कारत शुरू कर दिया, 3 लाख बंगाली मार डाले, 1 लाख औरतों को रेप किया, और कोई आप समझ लीजिए 10 से ज्यादा लाख उन्होंने रेफ्यूजीज भारतवर्ष के अंदर धकेल। तो ये बड़ा जो है हमारे 10 बिलियन सॉरी लाख नहीं 10 बिलियन रिपीट, तो ये तो करोड़, 1 करोड़ तकरीबन आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे रेफ्यूजीज आ गए। तो बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अक्टूबर के महीने में हमको एडमिशन साहब ने बुलाया वो परेड ग्राउंड में, हमारे बैच को, हमको नाइट बैच ऑफ 71 कहा जाता है, 1971 का बैच, लड़ाई का बैच, बॉर्न टू बैटल, जो लड़ाई के मैदान में पैदा हुआ, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जेंटलमैन कैडेट साहब बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है आपने, हम बहुत खुश हैं आपके दर्जे से, आपकी मेहनत से, और आपको 1 महीना पहले कमीशन दे दी जाएगी। हम बड़े खुश हुए, तालियां आलियां बजाई, वेरी नाइस वेरी। तो बेचारे एडजुटेंट साहब जो थे वो अपने असिस्टेंट एडजुटेंट की तरफ उन्होंने मुंह किया और बोला पुअर चैप्स आई फील सॉरी फॉर देम। तो उसने बोला क्यों सर, ऐसी क्या बात है? बोले देखो ये 1 महीने बाद ये लोग कमीशन हो जाएंगे, तब तक लड़ाई शुरू हो गई,
ये लोग पलटन जाएंगे ना, इनको जवानों जवान इनको जानते होंगे ना, ये जवानों के नाम भी जानते होंगे, जी और लड़ाई में इनको झोंक दिया जाएगा, गरम खून है, सबसे आगे दौड़ेंगे और बहुत मारे जाएंगे, बहुत का नुकसान होगा। जी उनकी अल्फाज बिल्कुल सही थे। नवंबर 14 नवंबर 1971 को हमको कमीशन दे दी गई, जबकि 14 दिसंबर को होनी थी एज पर जो ओरिजिनल प्लान, बट एक महीने पहले जी कर दी, क्योंकि लड़ाई में यंग ऑफिसर्स की जरूरत थी, हमें ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी लीड करने के लिए, ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी बहुत, और क्या कैनन फॉडर की जरूरत थी, बोलते हैं तोपों को चारे की जरूरत होती है, लड़ाई के मैदान में तोपें खा जाती हैं इंसानों की, और उसके लिए यंग जी ऑफिसर्स की जरूरत होती है जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहे। तो हम लोगों को 10 दिन की छुट्टी दी कि जाके मम्मी पापा से मिल लो, और उसके बाद हम ट्रेन में बैठे और सीधे सिलीगुड़ी जाके उतरे। जब सिलीगुड़ी उतरे तो उस ट्रेन में कोई 35 थे मेरे बैच के, हम लोग बड़े गाने गाते खुश होके, हमारे लिए तो द एडवेंचर ऑफ लाइफ शुरू हो गया था, कि जी जिंदगी एक सुहाना सफर क्योंकि उम्र जी बहुत होती है, 21 साल की उम्र थी, 19 20 21 साल की उम्र पे हम लोग अफसर बन गए, जानती हैं आप। जी तो हम वाह लोग सर, जब सैल्यूट यू। उतरे तो वहां जब हम उतरे तो बेटा पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच फौज से भरा हुआ था, लोगों ने स्टील हेलमेट डाल रखी थी और संगीन चढ़ा रखी थी, और वो जो जी बेनेट्स थे वो सर्दी की जो चिलमिलाती धूप होती है उसमें शरारे मार रहे थे, आप समझती हैं शरारा चमकते हैं जब बेनेट संगीन के ऊपर स्टील पे जी सूरज जी चमकता है तो शरारा बोलते हैं हमारे सैनिक तो जी वो था। तो हम लोग उतरे स्टेशन पे और एक दूसरे से गले मिले, कि पता नहीं था कि फिर मिल पाएंगे कि नहीं, जिंदा रहेंगे कि नहीं, जी क्योंकि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो हमारे जवान जल्दी जल्दी सामने आए, हमको सलूट किया, बोला साहब जल्दी करो जल्दी करो, ये पकड़ो आपकी स्टील हेलमेट, ये पकड़ो आपकी स्टैंड, संगीन चढ़ा लेना साहब, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, और जल्दी करो साहब, वो पलटन तो बांग्लादेश में। जी तो हम लोग जो थे वो बड़े हैरान हुए, हमने कहा कि ये सामान सामान कहाँ रखना है, ओ साहब जी सामान का फिक्र ना करो, वो रियर में पहुंच जाएगा, आप अपना पैक ले लो जिसमें आपका कंबल है सोने के लिए और ग्राउंड शीट और आपका दाढ़ी बनाने का सामान है और टूथब्रश है, वो ले जी लो, बस आप चलो, बाकी ट्रंक शंक यही रहेगा तो जी हम लोग गाड़ियों में बैठे इसी पे गए, हमारी सर्विस की पहली रात हम लोग जंग में, लड़ाई में, जी जी मेरे जी पहली रात ही मेरे कई साथी शहीद हो गए, कई कईयों की टांग उड़ गई, किसी का हाथ उड़ गया, कोई ओ घायल हुआ, किसी को गोली लगी, और कई तो बेचारे शहीद हो गए, उनके घर, उनकी पहली, उनकी पेंशन पहुंच गई, इसके पहले उनकी पहली तनख्वाह पहुंच गई। ओ ठीक है साहब, ये हमारा बॉन्ड टू बैक मैच है, बहुत नुकसान हमने उठाया, लेकिन मुझे बड़ा जी फख्र है कि हम बांग्लादेश की लड़ाई में कटिंग एज पे, मात्र 14 दिन के अंदर, मात्र 14 दिन के अंदर हमने साउथ जी एशिया का नक्शा बदल दिया। ईस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त, जो आज बांग्लादेश है, जी तीन तरफ से 550 किलोमीटर हमारी फौजें अंदर गई, उसकी राजधानी ढाका पे तिरंगा झंडा फहरा दिया, और कोई 97,000 कैदी, आप 93,000 का फिगर सुनती हैं, असली फिगर थी 97,480, पाकिस्तान के वाह कैदियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, फौजियों ने हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए, और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, आर्मी कमांडर ईस्टर्न ईस्ट पाकिस्तान, उसने अपनी रोते हुए अपनी पिस्टल सरेंडर कर दी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को। ठीक है, और खलास हो गया, दो जी टुकड़े हो गए पाकिस्तान के,
और बाहुबल के जोर पे हमने नए देश बांग्लादेश का निर्माण, ये सबसे बड़ी फतह थी पिछले 2000 साल हिंदुस्तान की जंगी फौजों की लड़ाई, हमारी लड़ाका फौजों की सबसे बड़ी फतह और विजय। और हम इसके कटिंग एज पे थे, सबसे आगे की पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में हम लोग। तो हमको काफी अच्छा किया हम लोगों ने, मेरे बैच ने बहुत सारे जर्नैल बने, आर्मी कमांडर बने, कोर कमांडर बने, डिविजनल कमांडर, मैं 2-स्टार जनरल बना। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया एयरफोर्स में, हमारा एक बैचमेट तो एयर चीफ बना और काफी आर्मी कमांडर के दर्जे तक गए, बहुत अच्छा किया। तो ये हमारी लड़ाई की कहानी है। और मेरी कुछ किस्मत खास अच्छी थी कि एक के बाद एक के बाद एक मुझे लड़ाई के मैदानों में जाने का अवसर, हर रैंक पे मैं मैदान पे, लड़ाई के मैदान पे रहा हूँ। तकरीबन मैं एज अ लेफ्टिनेंट तो हम बांग्लादेश के युद्ध में थे, एज अ कैप्टन मैं चीन के बरखिलाफ था, चीन की फौज के बरखिलाफ हमने नौकरी की है सिक्किम में, आगे जगहों में, चोला जैसे दर्रों में। और उस वक्त तो बहुत टेंशन थी, इससे भी लड़ाई का अंदेशा हो सकता था। उसके बाद जब मैं मेजर बना, मुझे पंजाब में भेजा गया जहां सिख जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनके खिलाफ हमको लड़ना पड़ा। और उस वक्त मेरे को एक दूसरी पलटन भेजा गया, मैं 6 जैक में कमीशन हुआ था, मैं 4 जैक में गया, उनकी 150th एनिवर्सरी होने वाली थी। तो मैं BMCM रह चुका था, स्टाफ कॉलेज किया हुआ था, इसलिए उनकी मदद करने मुझे वहां भेजा गया। और वहां मेरे को सिख कंपनी मैंने कमांड करी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में। आप जान सकती है कितना पेचीदा काम था, संगीत काम था, क्योंकि बहुत उनकी भावनाएं भड़क चुकी थी। गोल्डन टेम्पल पे ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, तो वो बेचारे नेचुरली बहुत अपसेट थे, बहुत भड़के हुए थे, लेकिन फिर भी मैं, उन्होंने मेरे को एज ए लीडर एक्सेप्ट किया। और जितनी मेरे को उनसे लॉयल्टी मिली शायद ही किसी और से मेरे को मिली है फौज के अंदर। बहुत ही किस्म के सोल्जर, सरदार, बहुत ही जोश से भरे हुए, और बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए वहां पे। और उसके बाद मैं वापस अपनी 6 जैक पलटन पे गया, मुझे कमांड लेनी थी, तो कमांड के पहले मैं वहां पे गया। और जी ओ, और ओ, मैं 1 मिनट रोक सकता हूँ क्या? 1 मिनट जी 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 प्लीज। हाँ। यस यस प्लीज जी जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश यादव जी थैंक यू सो मच, पूनम देवा जी थैंक यू सो मच, अमित त्रिवेदी सर थैंक यू सो मच, रवि पटेल जी थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड रंजन सर थैंक यू सो मच एवरीवन जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सच में आज डीडी शो सच में गौरवान्वित फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और जो हमारे देश के रियल हीरो है वो हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। और सच में आज उनके बारे में जानने का मौका मिला है, क्योंकि हम सब जानते हैं इन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इनका जो स्ट्रगल रहा है, किस तरह से इन्होंने हमारे देश के लिए जी, अमित सर थैंक यू सो मच, देश के लिए जीना तो आसान है पर देश के लिए जान देना बहुत बड़ी बात है, वो देश का सच्चा और एक सैनिक ही कर सकता है, राइट सर। और सच में मैं इनकी बात करूं तो ये आज मेरे शो में आने वाले नहीं थे, क्योंकि कल जो अफगानिस्तान की जो लड़ाई हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है वहां पे, उसकी वजह से ये लगातार टीवी से कनेक्टेड है, टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन सर ने आज मुझे टाइम दिया और
मतलब इतना टाइम भी देना बहुत बड़ी बात है, और सच में मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। ऐसे पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना एक बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, जी सर, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर मैं वापस अपनी पलटन गया, मैंने कमांड संभाली 6 जैक की, और उस वक्त जी पलटन कारगिल में थी, आप तालुनांग के तहत, वहां पे बड़ी भारी इंट्रूजन हो चुकी थी। बहुत लोगों को कम मालूम है कि 1887 में एक जी 1887 में एक बहुत जबरदस्त इंट्रूजन पहले कारगिल में शुरू हुई थी, सबसे खतरनाक, वो न्यूज़पेपर से दबा दी गई थी ये वो, लेकिन 1990-91 तक वहां बहुत भारी झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, 29 बलूच पलटन, 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, और इतनी जोरदार झड़प हुई कि मेरी पलटन में 6 लड़के शहीद हुए, 21 घायल हुए। हमको मेरी पलटन को एक वीर चक्र मरणोपरांत, चार सेना मेडल और एक विशेष सेवा मेडल मुझे प्रदान किया गया, और हमारे को चीफ साइटेशन मिली कि जो बेस्ट यूनिट्स होती हैं लड़ाई में उनको चीफ की साइटेशन मिली। तो इतना जबरदस्त लड़ाई हुई, तोपें चली, आर्टिलरी, मॉर्टर, एयर डिफेंस गन, एंटी टैंक गन, ये वो, जबरदस्त भीषण युद्ध हुआ, और मेरे तो कोई 6 शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे, पाकिस्तान के 40 से 45 मारे गए और 140 से ज्यादा घायल, बहुत नुकसान हुआ, 2 गांव जल गए, पूरे इवैकुएट हो गए पाकिस्तान के, चकमा और थानुस गांव, बैंड बजा दिया हमने उस पलटन का, और सफेद झंडा खड़ा करना पड़ा उनको, और बहुत फतवाहात हासिल हुए वहां पे हमारी पलटन को, जैसे मैंने बताया, खूब अवार्ड्स मिले, ये सब हुआ। और इसके पश्चात जब मैं ब्रिगेडियर बना तो मेरे को भेजा गया कि किश्तवाड़ में, ओ ये मैं आज टीवी पे टीवी कॉल आ रहे, बेटा मैं अब जल्दी खत्म कर लूं। ओके जी, प्लीज सर। ओके, तो उसके बाद मैं जाके लड़ा किश्तवाड़ में, वहां मेरे को सेना मेडल प्रदान हुआ, मेरी जो था नीचे 3 पलटने थी, बहुत बहादुरी से लड़ी, एक एक अशोक चक्र मिला जी मरणोपरांत। ओफ ओ बेटा, ये तो ओफ, जी थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सच में सर बहुत ही बिजी है कल से लेकर, क्योंकि कल जो अफगानिस्तान का जो इंसिडेंस हुआ है तो इनके पास टाइम नहीं था आज भी ये, लेकिन इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राहुल देव, पंकज जी थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, रंजन सर थैंक यू सो मच, एंड सच में ये हमारे देश के रियल हीरो है और हमारे देश की शान है। पीयूष गुप्ता जी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और सच में आज इन्होंने इतना कीमती टाइम हमारे लिए दिया, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन मुझे पता था क्योंकि ये कल इनका कॉल आया था, ये जुड़ने वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, सच में हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे जो रियल हीरो है हमारे देश में है, और हमें गर्व होता है, गर्व फील होता है हमारे देश में ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियां आज भी है, तो हम सभी को इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इतने बिजी होने के बावजूद भी ये हमारे साथ जुड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद, क्योंकि टीवी से इनको कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, इन्होंने कल भी मुझे कहा था कि आप सभी जानते हैं। यस अमित सर थैंक यू सो मच, और सच में एक्चुअल में इनका कल ही कॉल आ गया था कि जो इंसिडेंस हुआ है तो उनकी वजह से शायद वो नहीं जुड़ पाएंगी, तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सॉरी बेटा, वो टीवी से जी जी बार बार कॉल आ रही है। अच्छा,
तो मैं आपको बता रहा था कि किश्तवाड़ में मेरे को भेजा गया। भीषण वहां पे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे थे। वहां की 60% आबादी मुस्लिम बहुल है, बाकी 40% हिंदू है। तो हमने बड़ा सक्सेसफुल जब अभियान शुरू किए और टेररिस्ट टॉप कमांडर्स को मारना शुरू किया, तो उन्होंने हिंदू आबादी पे वार किया और हिंदुओं को मारना शुरू किया। और दूर दराज के गांव में हिंदुओं का पलायन शुरू, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई मेरे लिए। लेकिन मैंने भी कहा कि अब रक्षात्मक होके लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं हर गांव जाके बचा नहीं सकता, इतने मेरे पास फौज नहीं। हाँ, लेकिन जो मार रहे हैं मैं उनकी जान के पीछे पड़ गया। और जो 3 दिन सबसे ज्यादा कत्लो गारत किया था, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, लश्करे तैयबा के जो थे, मैं उनके पीछे पड़ गया। हाथ धो के घेरे में डाला, मार उन्होंने अपने उनकी जो जिस झोपड़ी में थे उसी को जला दी और वो जल के मरे। और फिर मैंने उनकी फोटो सब जगह गांव में दिखाई कि देखिए, अगर आप कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श की जाती है, आप औरतें बच्चे बूढ़े मार रहे हैं और ऐसा करोगे तो फौज में दुश्मनी मोल लोगे, ये लोग जल के मरे हैं, ये कयामत के दिन भी इनकी रूह खड़ी नहीं, ऐसा खौफ पड़ा साहब वहां पे कि साहब जो हिंदुओं को मार रहे थे वो सब बंद हो गया। और उसके पश्चात जो हिंदू भागे थे वो वापस। देखिए, अगर यही चीज वादी में की गई होती तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको भागना नहीं पड़ता और आज वो अपने घर से बेघर नहीं हुए। तो मेरे को सेना मेडल प्रदान किया गया इसके लिए और बहुत अच्छा किया। मैं एनटीसी वगैरह गया उसके बाद मेरे को कमांड मिली रोमियो फोर्स। जब मैं मेजर जनरल बना, 2 स्टार जनरल, तो मेरे को रोमियो फोर्स की कमांड दी गई जो रजौरी और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट को देख रहा था, जो कि सबसे उपद्रवी डिस्ट्रिक्ट है उस समय। और एक बार फिर मैंने कोई 1.5 साल के अंदर उनकी कमर तोड़ दी। वहां पे सक्सेसफुल रहे हम लोग अपने अभियान में। और जब मैं इलाके में गया था वो सबसे गदर का इलाका था, और जब तक मैं वापस आया वहां से पूर्ण रूपे शांति वहां पड़ गई थी। लोग पिकनिक जा रहे थे और कूल लूल बच्चे जा रहे थे, बहुत खुशियां मना रहे थे। मुझे बड़ा फक्र है कि हमने जो सबसे भीषण इलाके थे उनका सर दबाया, आतंकवाद का सर कुचला होने लगा। तो ये मेरा सफर रहा है, फौजी सफर बहुत अच्छा रहा है। और 2008 में मैं रिटायर हुआ मेजर जनरल की रैंक पे। उम्मीद लोग करते थे कि मैं आगे भी जाऊंगा क्योंकि मैंने लड़ाई में अच्छा किया था। तब तक खैर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसके पश्चात मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने किताबें लिखनी शुरू की, बातचीत, बच्चों को स्कूल कॉलेजों में जाके लेक्चरें दिया करता था फौज के ऊपर, सेना के ऊपर, भारतीय सेना के मूल्य के ऊपर, कैरियर के ऊपर, और पूरे देश में घूमा मैं। डोवल साहब वो उस वक्त डायरेक्टर थे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, तो मैं उनका डेप्यूटी डायरेक्टर था रिसर्च। और उनके कहने पे मैं पूरे देश भर में भ्रमण किया। मैंने स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों में देशभक्ति का जज्बा भरने की कोशिश करी और अभी भी कर रहा हूँ। और फिर टीवी पे जाना शुरू किया, डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, सेमिनार सिंपोजियम में। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता सर, और है। सर सच में हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं सर, एंड हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस जुड़े हैं जो कि आपके फैन हैं, क्योंकि आप हमारे देश का गर्व हो सर, और सच में हमें आज बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि आज आप हमारे शो में आए हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी हो, कल थैंक मैंने सुना था आप। यू। और सर मैं जानना चाहूंगी जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है और हमारे इंडियन भी है बहुत बुरा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? बेटा, अफगानिस्तान में तो बहुत त्रासदी हुई। आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि एक जो बहुत ही नीच ग्रुप के हाथ वो देश कुचल दिया गया। वहां के जो बेचारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में जानी शुरू हो गई थी, सड़कों पे आके अपना वो जॉब शॉप करती थी, ये वो करती थी, वो सब तबाही मच गई है। तालिबान का दोबारा राज हो गया है। अमेरिका ने बहुत भारी धोखा दिया है,
वहाँ के लोगों को, वहाँ की फौज को लेट डाउन कर दिया है जी। और ये सारा ये फरेब है कि उनको भागना पड़ा, भागना उन्होंने भुला के तालिबान को वहाँ लगाया है किस सोच के साथ, हमें तो अभी तक समझ नहीं आया। मेरे ख्याल वो चाहते हैं कि पूरे इस इलाके में गदर फैले, तालिबान को पूरी छूट दी जाए कि वो सेंट्रल एशिया में, ईरान में, भारत में गदर फैलाए। चलिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बहुत ही दुख की बात है। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद जय भारत सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सच में बहुत ही अच्छा लगा, और इतने ग्रेट पर्सनैलिटी है सर की बात करें, इतने बिजी होने के बाद भी मेरे लिए इन्होंने टाइम निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आरडीडी शो ने कंप्लीट किए है 14 मंथ, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए आरडीडी शो को। और आज बहुत कुछ सीखने को मिला सभी से, इससे पहले भी जो आर्टिस्ट आए थे, और इनकी बात करें तो मतलब सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। तो आप स्टार्टिंग से ये इंटरव्यू देख सकते हैं जो अभी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, क्योंकि जीडी बख्शी जी की बात करें तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया है, और इतनी इंस्पायरिंग इनकी जर्नी रही है। लेकिन आप स्टार्टिंग से देखिएगा जरूर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीवन। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की